अभी आप सुनिएगा, यही सब बयान देंगे, यही सब बयान देंगे। राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या आप 350 रुपए महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते, यही सब बोलेंगे, सुनिएगा अभी आप। आपने और सवाल भी उठाया, अनिल बैजल का नाम इसमें लिया है। देखिए, अनिल बैजल जी ने ही इस पॉलिसी को अप्रूव किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस पॉलिसी को भ्रष्ट पॉलिसी बता रही है बीजेपी, भाई इस पॉलिसी को अप्रूव किसने किया? और कुछ संशोधन जो उनके थे, वो संशोधन भी उन्होंने बताया कि 16-18 ये संशोधन आपको करने होंगे, सरकार ने वो संशोधन भी कर दिया, उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया पॉलिसी को। और अब आप कह रहे हैं कि साहब इस पॉलिसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। अरे भाई कुछ तो सोचो, 14 घंटे CBI ने घर में छापा मारा, गांव में छापा मारा, दफ्तर में छापा मारा, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कहीं कोई संपत्ति, सोना, कोई करोड़ों रुपए की बरामदगी कुछ तो हुआ होता, कहाँ चला गया ये पैसा? तो इसलिए फर्जी बेबुनियाद बातें हैं। और मैं तो कहता हूँ भाजपाइयों के बारे में, वो किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं। सर एक ये बस की बीजेपी आज जगह जगह जन जागरण अभियान चलाकर प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, और ये भी कि कांग्रेस भी अब यही उस रणनीति। भाजपाइयों को एक जन जागरण चलाना चाहिए कि उनके नेता नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कोयला अडानी को दिया, गैस अडानी को दिया, बिजली अडानी को दिया, पानी अडानी को दिया, स्टील अडानी को दिया, सीमेंट अडानी को दिया, सीपोर्ट अडानी को दिया, पोर्ट अडानी को दिया, एयरपोर्ट अडानी को दिया, तो आकाश से पाताल तक अडानी के साथ मिलकर देश को कैसे लूटा है भाजपाइयों ने, इसके लिए जन जागरण चलाना चाहिए। और सर कांग्रेस पर आपकी प्रतिक्रिया, अजय माकन ने कहा कि गोवा में वो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जनरेटर है, उसके बारे में क्या बात करें, उसी के रास्ते पे दोनों भाई एक साथ मिलकर चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।